दोस्तों अपना मैन ऑफ द मैच रोहित के नाम कर कुछ ऐसा कह गए वेंकटेश अय्यर, सुनकर आप भी इस खिलाड़ी को सलाम करने लग जाएंगे। जी हाँ, मुंबई और कोलकाता के बीच खेले गए ऐतिहासिक मुकाबले में कोलकाता की 24 रनों से जीत के हीरो वेंकटेश अय्यर को उनकी 70 रनों की बेमिसाल पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिसे पाने के बाद ये खिलाड़ी काफी खुश था। लेकिन फिर उन्होंने अपना ये अवार्ड रोहित शर्मा के नाम करने का ऐलान कर दिया। उनका मानना था कि रोहित शर्मा उनके आइडल है, उनके सामने परफॉर्म करना उनका सपना था, इसलिए अय्यर ने अपना अवार्ड रोहित के नाम कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप वो खेलना चाहते हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी परफॉर्मेंस के बाद वो समय बहुत जल्दी आएगा। उनके इस अंदाज ने तो सच में सभी का दिल जीत लिया, यहाँ तक कि रोहित भी उनसे काफी इंप्रेस नजर आ रहे थे। दोनों ने मिलकर साथ में अवार्ड लिया और रोहित ने अय्यर को थैंक यू भी बोला। इस लम्हे ने हर किसी का दिल जीत लिया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अब कौन बनेगा IPL 2024 का चैंपियन? कॉमेंट में जरूर बताइए।